जब ऐसे बनेंगे प्रधान तो विकास की गंगा बहेगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर न्याय पंचायत को लेकर बड़े बड़े ख्वाब देखने को मिलते हैं। जो पुराने थे प्रधान तीन तीन कोठियां बनाई है, आगे फॉर्च्यूनर की बारी है। नई प्रधानों के ख्वाब की तैयारी है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने कुछ होनहार प्रधानों के इंटरव्यू लिए, तब प्रधानों ने अपने क्षेत्रीय विधायक को मुख्यमंत्री बता डाला और दूसरे प्रधान से जब बात की तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पर बात समझने की है, जब ऐसे प्रधान बन जाएंगे तब गांव की जनता को कहाँ से कहाँ लेकर कैसे विकास करेंगे, फिर जनता के पास 5 साल तक पछताने के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। इसीलिए सभी क्षेत्रवासियों को सोच समझ कर प्रधान बनाना चाहिए ताकि 5 साल तक रोना ना पड़े। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। किस लिए आई थी यहाँ पे? प्रधानी का फॉर्म डाला। फॉर्म डाल दिया आपने जी। अच्छा, आप प्रधान बनने के बाद गाँव वालों के लिए क्या करेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे गाँव वालों के लिए? गाँव वालों का व्यवहार अच्छा करेंगे। नहीं, किस तरह का विकास करेंगे आप गाँव वालों के लिए, क्या क्या करेंगे? गलियों गलियों में जैसे कहीं बनी नहीं है उसे बनवाएंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? जिसका मकान नहीं बना है उसे उसका मकान दिया जाएगा। अच्छा, आपको आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? किसका? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम मालूम है आपको? जी। क्या नाम है? मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का नाम मालूम है क्या है? प्रधानमंत्री कौन है आपका? प्रधानमंत्री कौन है अपने देश के? आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मंत्री जी भैया है, का नाम मानवेंद्र। मानवेंद्र, मानवेंद्र सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? आपका थाना क्या लगता है? आपका थाना क्या है? कट थाना। आपके कट थाने इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर कौन है? नामांकन कराने आई है आप, आगे गाँव वालों लिए क्या करेंगे? प्रधान बन जाते तो गाँव वालों क्या करेंगे? आप प्रधान क्यों बनना चाहती, मतलब कोई वजह है प्रधान बनने क्यों बनना चाहती हूँ? प्रधान बनना कहीं खाना, सब लोग बन रहते हैं, हम उन लोग थाने भी रहे हैं साहब। अगर आप प्रधान बन जाती हैं तो गाँव वालों के लिए आप क्या करेंगे? सब काम करेंगे साहब। नहीं, सब काम क्या काम करेंगे सब? जो काम हुई, जैसे जो काम निकल रही सब सब काम हुई। आपको आपके प्रधानमंत्री का नहीं मालूम है? शाहजहांपुर से मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की रिपोर्ट।